हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने दो लेक्चर पढ़ लिए, बेसिक फंडास हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशंस, है ना, ये क्या होते हैं इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, हमने हेडिंग डाल रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बच्चों, वेव का मीनिंग समझते हैं आप? वेव का मीनिंग समझते हैं आप? वेव किसको बोलते हैं? सोर्स होता है एनर्जी के ट्रांसमिशन का, होता है क्या बच्चों? वेव क्या बच्चों, बोलो बेटा, वेव क्या है? अपन के सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन होता है ना बच्चों, आपने देखा होगा। इसमें सपोज मान लो कहीं पर स्टेगनेट वाटर है, रुका हुआ पानी है, और आप उस रुके हुए पानी में पत्थर मारो एक। जब हम रुके हुए पानी में पत्थर मारते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों, इस तरह की वेव्स जनरेट होती है कि नहीं होती है, बोलो बच्चों। इस तरह की वेव्स वहां पे बनती है कि नहीं बनती है? बनती है बच्चों। ये एनर्जी जाती है कि नहीं जाती? तो वेव समझ में आ गया, सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है कि जो वेव है वो सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने जो हेडिंग डाल लिखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इसमें तीन चीजें सुनो, इलेक्ट्रो, फिर मैग्नेटिक और फिर वेव। तीन वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तीन वर्ड है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव, तीन चीजें हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि वेव क्या होता है? ट्रांसमिशन का एक सोर्स होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो तीन कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंड वेव, सपोज मान लो देखो, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बच्चों, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? यहां पर होगा बच्चों, कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यहां होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। नाम समझ में आया बच्चों? देखो, वेव किसको बोलते हैं? वेव हमारे पास एक सोर्स होता है एनर्जी ट्रांसमिट करने का, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसमिट करने का एक सोर्स है बच्चों, है ना बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखो क्या बच्चों, वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ गए एक परपेंडिकुलर का मीनिंग? देखो बच्चों, सपोज जैसे मेरे पास इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, इनके परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये बात समझ में आई? तो परपेंडिकुलर का मामला आप लोगों को समझ में आता है? परपेंडिकुलर का आपको मामला समझ में आता है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं आपको दिखाता हूं कुछ, आपको दिखाता हूं, देखो पिक्स दिखाता हूं। क्या ये वेव है बच्चों? क्या ये वेव है बच्चों? ये देखो बच्चों, एनर्जी ट्रांसमिट होती है कि नहीं होती है? यहां से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है बच्चों, है ना बच्चों? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अगला देखो बच्चों, ये वेव है क्या? ये वेव है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों? एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, बोलो बच्चों, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना।
अब देखो बच्चों सुनो, इसमें आप देखे बच्चों, आपको ब्लू कलर वाली लाइन और रेड कलर वाली लाइन क्या दोनों परपेंडिकुलर दिख रही है? क्या ये परपेंडिकुलर दिख रही है बच्चों? दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना, ब्लू कलर वाली लाइट ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों समझ में आ गया ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों समझ में आया ये परपेंडिकुलर कैसे है, क्या है? बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई? आया बेटा समझ में? ये देखो, क्या ये वेव है? क्या ये वेव है कि नहीं है बच्चों, बताओ? है बेटा, ये वेव दिख रही है आप लोगों को अच्छे से? बच्चों वेव समझ में आई? ये देखो बच्चों, हो रहा है। तो अब देखो बच्चों, वेव में क्या है? ये देखिए बच्चों, पहले इतना समझ में आ गया आपको वेव कैसे क्या है? ये बाकी जो चीजें हैं मैं बाद में वापस दिखाता हूँ आपको। अब वेव भी अलग अलग टाइप की होती है ना? वेव में अलग अलग टाइप की एनर्जी आपकी मूव करती है, ठीक है ना? अभी हमें उस पर जाना नहीं है, है ना? अभी अपन इनको डिस्कस करते हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गजल क्लास का टाइमिंग क्या है? हाँ गजल बढ़िया। गजल पढ़िया, क्या पूछ रहा हूं? क्लास का टाइमिंग क्या है? हाँ भैया देखो सुनो, अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो देखिए बच्चों क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। लाइट की स्पीड जानते हैं बच्चों, 3 × 10^8 m/s होती है, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, इनको मूव करने के लिए नो नीड ऑफ एनी मीडियम, है ना, फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना? इनको मूव करने के लिए आपको किसी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना? क्योंकि स्पेस में भी मूव करती है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं एक वेव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं बच्चों, तो कैसे समझाएंगे इसको? समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखो ये मान लो जीरो है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। अब देखो बेटा मैं इसको कैसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। क्या ये मैंने वेव बनाई बच्चों? क्या मैंने ये वेव बनाई बेटा? अब इस वेव में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बच्चों, कि वेव में क्या क्या है। देखो जीरो से ऊपर की साइड मतलब पॉजिटिव में, इसको बोलते हैं बच्चों अपन, क्या बोलते हैं? को बोलते हैं क्रेस्ट, बोलते हैं बच्चों। और ये नीचे की साइड है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? को बोलते हैं ट्रफ, बोलते हैं, बोलो बच्चों, ट्रफ एंड क्रेस्ट बोलते हैं बच्चों। रुद्राक्ष समझ में आ रहे क्या तेरे को? है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष ये जो वेव्स है वो मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना? तो
तो अब देखो बच्चों इसमें दो चीजें हुई, एक तो एलिवेशन हुआ एक डिप्रेशन हुआ। अब देखो बच्चों आप चाहो तो कह दो कि बच्चों क्रेस्ट की जो हाइट है ना, या जो ट्रफ बना है उसकी जो डेप्थ है ना, क्रेस्ट की जो हाइट है या जो ट्रफ की जो डेप्थ है उसको अपन नाम देते हैं बच्चों वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉरी 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 बेटा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो हाइट ऑफ क्रेस्ट, ठीक है, और डेप्थ ऑफ ट्रफ। समझ में आ गया बच्चों? बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। अब देखो बच्चों, अब देखिए बेटा सुनिए, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं क्या है। देखिए बच्चों अगर मुझे एक वेव को बताना है तो एक वेव में देखो बेटा क्या होगा, एक पूरा क्रेस्ट लेंगे और एक पूरा आप ट्रफ लेंगे, ठीक है, ये पूरी वेव बन गई। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसमें पूरा क्रेस्ट आ गया पूरा ट्रफ आ गया क्या? पूरा क्रेस्ट एंड पूरा ट्रफ आ गया क्या बच्चों बताओ? तो देखो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं वेवलेंथ, जिसको अपन लैम्डा से लिखते हैं, नाम से पता लग रहा है ना, वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वेव, बोल सकते हैं ना, वेव की कितनी लेंथ है, उसकी कितनी लंबाई है, कितनी लेंथ है। अब देखो बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं वेव क्या क्या रखती है। देखो बच्चों एक तो उसमें क्रेस्ट होगा और एक उसमें ट्रफ होगा क्या? एक वेव के अंदर एक क्रेस्ट होगा एक ट्रफ होगा, या मैं क्या कह सकता हूं, या मैं ऐसा कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ। बोलो बच्चे ऐसा बोल सकते हैं क्या? कैसे? ये जो मैंने बोला इसको मैं आपको समझाऊं, देखो जो मैंने बोला उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। कैसे समझना बच्चों? देखिए बच्चों जैसे सपोज मेरे पास ये, अब मैं क्या करता हूं मेरे को यहां से यहां तक, समझ आएगा क्या? ये दो एडजेसेंट क्रेस्ट है क्या? बोलो बच्चों क्या ये दो एडजेसेंट क्रेस्ट हैं? तो इनके बीच की डिस्टेंस को भी अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? लेमडा बोल सकते हैं, वेवलेंथ। अच्छा फिर बताओ, मैं ये भी कह सकता हूं यहां से, देखो यहां से यहां तक, यानी मैं इतना ले लेता हूं, बोलो बच्चों इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं? लेमडा बोल सकता हूं बच्चों? बोलो लेमडा बोल सकता हूं क्या? तो वेवलेंथ समझ में आ गई बच्चों? वेवलेंथ आप लोगों को समझ में आ गई वेवलेंथ क्या है? बोलो बच्चों वेवलेंथ समझ में आ गई आप लोगों को सबको? ठीक है चलिए अब अपन आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो बेटा क्या, सुनो आगे देखो बेटा सुनो, मुझे याद हो बच्चों वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी बच्चों बता सकते हो आप? मीटर होगी ना, लेंथ ही तो है बच्चों। अरे वेवलेंथ एक तरह की क्या है, लेंथ है कि नहीं है? तो लेंथ की क्या यूनिट होती है? मीटर होती है। तो अब देखो बच्चों सुनो, यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या? सेंटीमीटर या मीटर, ये होती है बच्चों। अब जैसे देखो बच्चों इसमें जो मोर कन्वीनियंट है, एक तो जैसे अपन काम लेते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों पता है क्या? इसको बोलते हैं अपन एंगस्ट्रॉम, जानते हो क्या? इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं क्या? एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं जानते हो बच्चों? 10 की पावर
-10। अच्छा फिर देखो, मेरे पास है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर बताओ 10^-9 मीटर। अच्छा मेरे पास है 1 पिकोमीटर। पिको बताओ 10^-12। वेरी गुड हितेश जी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो मैंने 1 एंगस्ट्रॉम लिख रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम बच्चों 10^-10 है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 10^-9 × 10^-1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इस 10^-9 को क्या मैं नैनोमीटर लिख सकता हूँ? 10^-9 को नैनोमीटर लिख सकता हूँ। तो अब बताओ बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम एक तरह से क्या हो गया? 10^-1 नैनोमीटर हो जाएगा क्या? गजल पढ़ी यार, ये बात समझ में आई तेरे को? हैं? गजल पढ़ी यार। अब बताओ बच्चों, मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या कि 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? 1/10^-10 एंगस्ट्रॉम। यानी क्या हो गया ये हो गया क्या बच्चों? 1 नैनोमीटर मतलब ये हो जाएगा क्या बच्चों? बताओ, ऐसा बोल सकता हूं क्या? 1 नैनोमीटर का मतलब 10 एंगस्ट्रॉम हो गया क्या? टेन की पावर 10 का होगा बेटा, 10^-1 है ना। अच्छा ये 10^-10 कर देगा, ठीक है हो गया। हाँ 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 वो सही कर दिया मैंने। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास बेटा ये लिखा हुआ है, देखो वन पिकोमीटर दैट इज 10^12 मीटर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बच्चों। तो 10^-10 को मैं क्या बोल सकता हूं? 10^-10 को मैं एंगस्ट्रॉम बोल सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 10^-2 एंगस्ट्रॉम आ गया। यानी कह सकता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10^-2 उधर जाएगी, ये 100 पिकोमीटर हो गया क्या? 100 पिकोमीटर हो गया बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम में 100 पिकोमीटर। यहां तक सबको समझ में आता है? यहां तक सबको समझ में आता है बच्चों? रुद्राक्ष तेरे को समझ में आ रहा है क्या कुछ? हैं? हैं रुद्राक्ष? हाँ भैया। अरे पिकोमीटर में 10^-12 है, मैंने इसको लिख दिया 10^-10 × 10^-2। इस 10^-10 को देख, ये बड़ा 10^-10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से देख 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया? 10^-10 को एंगस्ट्रॉम लिख दिया, बचा क्या? 10^-2 × एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया मेरे पास। अब आओ देखो बच्चों, नेक्स्ट ये हमने बात की वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी है ना? तो ये जो इसका सिंबल है बच्चों, इसको जानते हो क्या? तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं न्यू, है ना? फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? न्यू। अब देखो बच्चों सुनो, ये न्यू वो हरियाणा, ये हरियाणा वाला नू नहीं है। हरियाणा में एक वर्ड बोलते हैं ना नू, हरियाणा लैंग्वेज में एक वर्ड सुना होगा ना आपने, हरियाणा की लैंग्वेज सुनी होगी कभी, नू बोलते हैं। तो ये वो नू नहीं है, ये न्यू है। अब देखो बच्चों सुनो, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि 1 सेकंड में कितनी वेव बनती है ना? 1 सेकंड में कितनी वेव बन सकती है वो फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया मामला? मान लो 1 सेकंड में 100 वेव बनी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 पर सेकंड हो गई,
एक सेकंड में मान लो 10 वेव बनी तो 10 वेव्स पर सेकंड होगी, समझ में आ गया। जैसे सपोज आप ऐसे समझो कि आपको अगर कोई पूछे कि भैया आप एक मिनट में कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए एक बच्चा कहता कि मैं एक मिनट में 3 क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, एक कहता मैं 2 कर लेता हूँ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी पर मिनट कितनी आ गई, 3 क्वेश्चन पर मिनट, 2 क्वेश्चन पर मिनट, समझ में आ गया। यानी यूनिट टाइम में कितनी वेव बनती है उसको बोलते हैं, समझ आ गया बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होगी, क्या बोलेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स विच फॉर्म इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स विच फॉर्म 1 सेकेंड, ठीक है, और इन बच्चों समझ में आ गया, एक सेकेंड में कितनी वेव बनी उसको बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ी होगी हर्ट्ज, पढ़ा होगा ना, यूनिट पढ़ी होगी ना बच्चों हर्ट्ज, या आपने पढ़ा होगा बच्चों सेकंड इनवर्स, पढ़ा होगा ना 1/सेकंड, है ना, पढ़ी होगी बच्चों। तो अब देखो बच्चों, 1 हर्ट्ज और 1 सेकंड इनवर्स ये इक्वल होते हैं बच्चों, ये तो आई थिंक 9th-10th की बातें बता रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सबको आता है बच्चों। अब आओ बच्चों देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड का मतलब समझते हैं बच्चों आप, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि एक वेव को बनने में जो टाइम लगा ना उसको टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चों, समझ में आ गई बात, एक वेव को बनने में जो टाइम लगा है ना उसको टाइम पीरियड बोल सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपसे एक बात बोले कि भैया हमारी जो जो घड़ी होती है उसमें सेकंड वाली जो निडल होती है उसको एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है बताओ, जो सेकंड वाली जो निडल है उसको 60 सेकंड लगते हैं ना, तो उसका टाइम पीरियड 60 सेकंड हो गया। मिनट वाली को कितना टाइम लगता है, मिनट वाली को कितना टाइम लगता है, 60 मिनट या 1 आवर, सही बात है, 60 मिनट या 1 आवर। तो देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया है ना, टाइम इन विच वन वेव फॉर्म्स। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम हो गया ना, सिंपल सी बात बताओ। देखो एक ऐसा समझो, एक बच्चा कह रहा है कि भैया मैं 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करता हूं, और एक बच्चा कहता है मैं 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करता हूं, एक बच्चा 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहा है और एक बच्चा 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि जो 5 क्वेश्चन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक तो आपके 60 सेकंड में 5 क्वेश्चन कर रहा है और एक 60 सेकंड में 1 ही कर रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको 1 क्वेश्चन करने में टाइम कम लगा ना, बोलो बच्चों, उसको 12 सेकंड में उसने 1 क्वेश्चन कर दिया, अरे 1 क्वेश्चन को पूरा करने में उसके सिर्फ 12 सेकंड लगे ना, और इसको 60 सेकंड लग गई। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के ऐसे चलेगी क्या बच्चों, बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो टाइम पीरियड जो कैपिटल टी है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बोलो बच्चों क्या ये बात सही है, टाइम पीरियड जो है वो, बोलो बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ, ये समझ में आया आप लोगों को, ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, बताओ बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी बताई थी मैंने आपको किसकी इक्वल होती है, लाइट की वेलोसिटी की इक्वल होती है, ये अभी अपने डिस्कस किया ही था थोड़ी देर पहले। तो अब बच्चों बताओ स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने स्पीड पढ़ी है बच्चों, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लेते हैं बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो बच्चों,
अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैंने लिखा सी। एक वेव जब पूरी बनती है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवरअप की, एक वेव में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवरअप करता है, लैम्डा की इक्वल, वेव की लेंथ की इक्वल ही तो करेगा ना। तो बच्चों इसको मैं लैम्डा लिख सकता हूँ क्या डिस्टेंस को, और टाइम को मैंने बोल दिया कैपिटल टी। अरे बच्चों समझ में आया, एक वेव जब बनेगी तो एक क्रेस्ट बना, एक ट्रफ बना, तो एक तरह से पूरी एक वेव बनी, तो डिस्टेंस कितनी कवर अप की उसने, लैम्डा की। तो ये बच्चों समझ में आया। यहां से देखो बच्चों, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं लैम्डा इंटू 1/t, इस 1/t को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, बच्चों बताओ इस 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आ गया। यानी यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को, ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों, ये बात समझ आएगी बेटा कि हमने क्या बोला कि डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वेव जब बनती है तो उसने कितने डिस्टेंस कवर अप की, एक वेव की इक्वल मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी होती है लैम्डा, और एक वेव को बनने में जो टाइम लगा वो हो गया कैपिटल टी, तो लैम्डा अपॉन टी। यहां से देखो बच्चों, इससे देखो कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट चलती है, तो 1/t जो होगा वो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, तो लैम्डा इंटू 1/t, 1/t क्या फ्रीक्वेंसी लिख दिया बच्चों, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, यहां से ये भी तो कह सकता हूँ, कह सकता हूँ बच्चों, बोलो बेटा कह सकता हूँ क्या, आपको बात समझ में आएगी। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और सुनिए, एक होता है बच्चों देखो वेव नंबर, है ना, वेव नंबर का सिंबल क्या है, देखो बच्चों वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार, ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों न्यू बार, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो न्यू बार बोलते हैं। तो अब देखो बच्चों ये वेव नंबर नाम से पता लग रहा है ना, वेव नंबर, देखो मैं ऐसा बोलूंगा नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है ना, इन यूनिट लेंथ। आपको यूनिट लेंथ में कितनी वेव बन सकती है वो आपको बताना है। तो अब देखो बच्चों कैसे, समझो मेरी बात, मान लो मेरे पास ये एक 1 मीटर की डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, और मेरे पास एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है बच्चों 0.1 मीटर, ठीक है, एक वेवलेंथ है 0.1 मीटर, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों 0.1 मीटर की प्रभुत्व क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा, है प्रभुत्व, ये कोई पब्लिक पार्क है क्या, जब इच्छा हो तब उठ के आ जाते हो तुम, प्रभुत्व क्या पूछ रहा हो, हाँ भैया देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास यूनिट लेंथ है 1 मीटर, है ना, मेरे पास यूनिट लेंथ है 1 मीटर। अब उसमें मान लीजिए एक वेव है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर की कितनी वेव बनेगी वो हमें बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों इस तरह की कितनी वेव बन सकती है, ये जैसे सपोज 0.1 है, फिर 0.1 की इस तरह की हमें ऐसी वेव बनानी है, हमें नंबर काउंट करना है। तो हम नंबर कैसे काउंट कर सकते हैं बच्चों बताओ, हम नंबर काउंट करना बहुत सिंपल है, टोटल लेंथ है 1 मीटर, है ना, और एक वेव की लेंथ है 0.1, तो ऐसी 10 वेव बन जाएगी क्या, ऐसी 10 वेव बन जाएगी क्या बच्चों, समझ में आ गया, बोलो बेटा समझ में आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं,
मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखो बच्चों, अपन न्यू बार कैसे लिख सकते हैं? न्यू बार लिख सकते हैं बच्चों वन अपॉन लेमडा, आ गया बेटा वन अपॉन लेमडा करके अपन वेव नंबर को निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं बच्चों, बोलो बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? बोलो क्लियर है क्या? तो अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बार देखिए, मैं आपको एक बार वापस वो डायग्राम दिखाता हूं। मैं देखो ये वेव है ना बच्चों, ये वेव है एनर्जी ट्रांसमिशन का सोर्स, लिख रहा आप लोगों को अच्छा भला एनर्जी ट्रांसमिशन का सोर्स है, ठीक है। फिर देखो बच्चों ये भी वेव है क्या? है बेटा ये भी वेव, अब देखो बच्चों ये वेव्स बन रही है, इसको एक मिनट रुको, ये देखो बच्चों ये दिख रहा है आपको वेव, यहां पे दिख रहा है बच्चों शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है ना, आपको दिख रहा है बच्चों कि लॉन्ग वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, देखो वेव जितनी लंबी बनेगी उतनी कम वेव बनेगी ना, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है मामला, ठीक है ना। फिर देखो ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। प्रभुत्व तू टिक के बैठ जा। हाँ भैया ये देखो ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्या? देखो इसकी स्पीड सी बता रहा है बच्चों, ये दिख रहा आप लोगों को बेटा? ये समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपने को क्या पढ़ना है वो अपन आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बेटा मैं एक चीज आपको पढ़ाता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो सुनी क्या है। नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, स्पेक्ट्रम जानते हो क्या? स्पेक्ट्रम का मतलब सिंपल सा होता है बच्चों अरेंजमेंट, है ना। स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट होता है ना। तो अब देखो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो जितनी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं ना, है ना, जितनी भी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है बच्चों। जो वेव है ना उसकी लेंथ लंबाई, मान लो किसी की लेंथ इतनी है, किसी की लेंथ इतनी है, किसी की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो देखो बच्चों क्या बोलते हैं अपन, अपन इसमें क्या बोलते हैं, देखो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। इस ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों, या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग। अब देखो बच्चों कौन कौन सी वेव्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों। देखिए सुनिए, वेव्स कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले मैंने लिखा कॉस्मिक रेज, ठीक है। फिर देखो बच्चों मेरे पास होती है गामा रेज, ठीक है। फिर मेरे पास है एक्स रेज, ठीक है। फिर मेरे पास है बच्चों
अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर मेरे पास है विजिबल लाइट, जो लाइट हमारे है ना देखने में काम आती है, ठीक है। फिर मेरे पास है बच्चों इंफ्रारेड, ठीक है। फिर मेरे पास है माइक्रोवेव, एंड फिर मेरे पास है रेडियो वेव। ये मेरे पास है बच्चों। अब देखो बेटा, जब अपन इस सीरीज में इधर से इधर जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, इस सीरीज में जब अपन इधर से इधर जाते हैं ना, कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव तक, तो यहां बच्चों जो लैम्डा है ना वो इंक्रीज करता है। लैम्डा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी ना। लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी बच्चों। अब देखो बच्चों, इनको लर्न कैसे करना है इसको मैं समझाता हूं। देखो मैं इनका एक बार इनके जो फर्स्ट वर्ड है वो मैं इस तरह से लिख देता हूं साथ में, ये लिखा बच्चों देखो। अब देखो बेटा इसको याद कैसे करना है, ये जो सी है ना कॉस्मिक रेज का सी, इसको तो लिख दो बच्चों क्यूट, ठीक है। जी का मतलब मैंने लिख दिया गड्डी, गड्डी समझते हो बच्चों, है ना। आगे देखो बेटा ये तीनों मिला के क्या बन गई, कौन सी गड्डी बन गई, एक्सयूवी बन गई बच्चों। एक्सयूवी एक कार आती है ना, बोलो बच्चों एक्सयूवी एक गड्डी होती है, कार होती है बच्चों, है ना। ये इन हो गया, ये क्या कह सकते हैं, इन माई रूम, रूम कर दो आप, रेंज में कर दो, जो भी करना चाहो, है ना। हाँ भैया हमने क्या लिखा, तो बच्चों ये सीक्वेंस आपको याद हो गया, ये सीक्वेंस आपको याद हो गया बच्चों, क्यूट गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, है ना। सी का मतलब हमारा हो गया कॉस्मिक रेज, जी का मतलब गामा रेज, है ना, एक्स का मतलब एक्स रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट, है ना। फिर वी का विजिबल और इन का इंफ्रारेड, एम का मतलब माइक्रो एंड आर का मतलब रेडियो वेव, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा जो आप लोगों की बच्चों विजिबल लाइट होती है, ठीक है ना, विजिबल लाइट है उसका देखो बच्चों क्या होता है ऑर्डर, उसमें ये होता है, ये बच्चों विबग्योर, बोलो बच्चों ये कलर होते हैं क्या, ये कलर होते हैं बच्चों, है ना। अब अगर आप यहां से यहां चलते हो बच्चों इसमें, तो इस कलर में देखो बेटा क्या होगा, यहां से यहां जाओगे तो लैम्डा क्या होगा बेटा, राइज होगा, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी बच्चों। तो ये तो क्या है, कौन सा कलर है बच्चों, ये वायलेट कलर है, और ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर है बच्चों। समझ में आया बेटा, आपको समझ में आया जो मैंने बोला आप लोगों को, ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो बच्चों सुनो, तो अगर मैं देखो एक बार जेई मेंस में क्या क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान दीजिए, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि बताओ बच्चों ऑर्डर ऑफ लैम्डा यानी वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, कौन कौन सा, एक्स रेस, इंफ्रारेड, ठीक है, फिर आपको रेड कलर, फिर आपको ग्रीन कलर, ये दे रखा है बच्चों,
तो इनकी आपको वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, बता सकते हैं आप? एक्सरेज, इंफ्रारेड, रेड कलर, ग्रीन कलर। तो बच्चों बताओ, एक्स ठीक है बेटा, देखो बेटा सबसे पहले आ जाएगा एक्सरेज, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ग्रीन, फिर रेड और फिर इंफ्रारेड। हो गया बच्चों, एक्सरेज, ग्रीन, रेड एंड इंफ्रारेड। बच्चों समझ में आया ये बात? आप लोगों के समझ में आ गई बेटा? अब देखो बेटा, सुनो, अब एक चीज समझना बेटा। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। इसमें देखो बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें कुछ चीजें दिख रही होगी आप लोगों को। नीचे जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, रेडियो दिख रहा है, फिर माइक्रोवेव ओवन दिख रहा है, इंफ्रारेड, फिर देखो विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे दिख रहा है आपको। देखो नीचे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और देखो वेवलेंथ लगातार छोटी होती जा रही है। दिख रहा है क्या बच्चों? वेव हमेशा छोटी होती जा रही है। बच्चों समझ में आया क्या? ये नहीं समझ आया तो इसको देखो, ये देखो बच्चों सुनो, हमारे पास जैसे देखो रेडियो वेव और माइक्रोवेव है ना। रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव की जो जो आपकी बच्चों वेवलेंथ होती है ना, वो देखो बच्चों, वो कितनी हो सकती है? अप्रोक्सीमेट स्केल ऑफ वेवलेंथ, बिल्डिंग की साइज के इक्वल या हम लोगों की साइज के इक्वल, ह्यूमन बींग के साइज के इक्वल। दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, दिख रहा है? फिर देखो माइक्रोवेव की जो रेंज होती है, ठीक है, माइक्रोवेव की जो रेंज होती है वो बटरफ्लाई के इक्वल। इंफ्रारेड देखो बच्चों, जो नीडल होती है, नीडल के अंदर जो छोटा सा पॉइंट होता है उसके इक्वल। विजिबल की जो है वो रेंज होती है वेवलेंथ की प्रोटोजोन्स, प्रोटोजो आप जानते हो, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है? नहीं बेटा ये लर्न नहीं करना, ये सर जस्ट बता रहा हूं। फिर देखो अल्ट्रावायलेट रेज की जो होती है वो मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल, और एक्सरे की जो होती है वो होती है एटम की साइज, और आपकी जो गामा रेज है उसकी साइज होती है एटॉमिक न्यूक्लियाई के इक्वल। दिख रहा है बच्चों? लगातार क्या हो रहा है आपका, लगातार क्या हो रहा है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? रेडियो वेव से लेकर अगर मैं कॉस्मिक वेव्स तक जाता हूं, ठीक है, कॉस्मिक रेज तक जाता हूं, तो क्या हो रहा है बच्चों? लगातार आपकी वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो अब देखो बच्चों, ऊपर आप देखो बेटा, वेव देखो, पहले वेव के जो क्रेस्ट है उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होती जा रही है क्या? धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होती जा रही है क्या? होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है बच्चों? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? बोलो बेटा। तो अब देखो बच्चों, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, वो वेव उतनी आपके लिए हार्मफुल होती है। जितनी ज्यादा आपकी बच्चों क्या होती है, अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या जिसकी वेवलेंथ कम होगी? बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा जैसे आपकी बॉडी का एक्सरे लिया जाता है, तो बॉडी का जब एक्सरे लिया जाता है तो आपको कई बार कहते हैं ना कि आपने मेटल की कोई भी चीज पहन रखी उसको उतार दीजिए, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, पता है क्या आपको? अच्छा, आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे डॉक्टर क्या चाहते हैं कि भैया बॉडी को एक्सरे से बचाया जाए, जहां तक पॉसिबल हो एक्सरे ना करवाएं। क्यों? क्योंकि एक्सरे की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो हायर एनर्जी वाली जो वेव है वो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत करेगी ना, वो कोई ना कोई सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कोई ना कोई हमारे क्रोमोसोम में कोई ना कोई दिक्कत कर सकती है, हो सकता है कि म्यूटेशन हो जाए। बच्चों समझ में आई बात मेरी? बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेडियो वेव जो है वो इतनी हार्मफुल नहीं है, है ना, रेडियो वेव हार्मफुल नहीं है ना। बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे चलते हैं बेटा। तो
ये हम लोगों ने बच्चों अभी क्या डिस्कस कर लिया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अब आओ बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये क्या होती है बच्चों, ये समझते हैं बच्चों। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी देखो बच्चों, सुनना ढंग से। मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है बच्चों, ठीक है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, इससे या तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, एमिट होगी। ये एनर्जी को इस तरह से एमिट कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। या ये क्या कर रहा होगा बच्चों, ये एनर्जी को गेन कर रहा होगा, है ना, ये एनर्जी को ले रहा होगा। लेकिन अब देखो बच्चों, यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, रिलीज, और यहां क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो बच्चों ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, चाहे वो एनर्जी ले रहा है चाहे वो रिलीज कर रहा है, वो हमेशा क्या करता है बच्चों, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करता है। समझ पा रहे हो, अब ये समझो, आप जब रोटी खाते हो तो वेल मैनर्ड में क्या होता है, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हो ना। अरे छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हो ना बच्चों, खाते हो ना, बोलो बेटा, छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं अपन लोग। अब देखो, अब देखो जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए टुकड़े का साइज बहुत छोटा होता है, जो अपन उसको देते हैं गस्सा, उसका साइज बहुत छोटा होता है। आप अगर बड़े हो तो हो सकता है आपका साइज बड़ा हो। बोलो बच्चों, वो जो साइज अलग अलग हो सकता है ना। अब मान लो एक अडल्ट बंदा जो खा रहा है, क्या उतने साइज का आप जो पार्टिकल है या जो पीस है, क्या छोटे बच्चे को दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते ना बच्चों। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो बच्चों कोई भी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी का, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे रिलीज हो, वो क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है। अच्छा जैसे आपने देखा होगा बिस्किट का पैकेट आता है बच्चों, बिस्किट का पैकेट आता है। अब पैकेट का साइज इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा हो सकता है ना। अब आप एक एक बिस्किट खा रहे हो, मतलब आप एक एक पैकेट खा रहे हो, समझ रहे हो, एक बिस्किट खा रहे हो मतलब आप एक पैकेट खा रहे हो, समझ पा रहे हो। चॉकलेट की पैकिंग देखी होगी आपने, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर होती है, रैपर्स के अंदर। समझ में आ गया मेरी बात, बोलो बच्चों। तो देखो बेटा ये क्या होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो अलग अलग साइज के पैकेट्स हो सकते हैं। मान लो एनर्जी के पैकेट का साइज ये है, मान लो हो सकता है वो इस साइज का हो, मान लो वो इस साइज का पैकेट है, मान लो वो इस साइज का पैकेट है। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि यहां से बच्चों, समझ में आ गया, ये क्या मेरे पास, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है मेरे पास। तो अब देखो बच्चों सुनो, क्या होता है कि ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों क्वांटम, है ना। क्वांटम तो बच्चों इसका है सिंगुलर, ठीक है, और एक टर्म होता है क्वांटा, वो होता है इसका प्लूरल, ठीक है ना। क्वांटम एंड क्वांटा समझ में आ गया, क्वांटम होता है सिंगुलर एंड क्वांटा होता है प्लूरल। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ लाइट, ठीक है ना, दीज पैकेट्स आर नोन एज फोटोन, ठीक है ना बच्चों। पहले समझ में आया बच्चों मेरी बात, आप लोगों को समझ में आई क्या, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी का जो लॉस होता है और जो गेन होता है, वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है।
समझ पा रहे हो मेरी बात आप, है ना? छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है बेटा। तो अब बताओ, अगर ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। आपने एक बिस्किट खाया, फिर दूसरा बिस्किट खाया, तो डिसकंटिन्यूअस है ना। ऐसा नहीं कि बिस्किट एक साथ जुड़े हुए हैं और आप ऐसे पकड़ के खा रहे हो, धीरे 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 ऐसे खा रहे हो, एक एक बिस्किट खा रहे हो ना। अरे रोटी के टुकड़े करके खाते हो तो डिसकंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस थोड़ी ना है। बच्चों समझ में आ गया क्या? तो देखो बेटा क्या बोलेंगे हम, ये बोलना चाह रहे हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक एमिशन ऑफ एनर्जी इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस नहीं है बच्चों, समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई समझ आई बात मेरी? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन क्या देखते हैं बच्चों, देखो सुनो, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इसको मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो मान लो यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है ना, ये एक दीवार है ना, एक वॉल है, उससे मैंने एक रस्सी बांध रखी है। इसको मैंने धीरे से झटका दिया, तो बच्चों जब मैंने धीरे से झटका दिया तो मान लीजिए ये इस तरह की वेव बन रही है, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया बच्चों, तेजी से झटका दिया, है ना, बहुत तेजी से झटका दिया, तो ये कुछ इस तरह की वेव बन रही है। उतनी लेंथ में, तो अब बताओ बच्चों आप समझ रहे हो? आप ऐसे सोचो, एक दीवार को आपने एक रस्सी रस्सी बांध दी और उसको झटका दे रहे हो आप, एक बार धीरे से झटका दिया और एक बार तेजी से झटका दिया। तो बच्चों यहां आपको क्या दिख रहा है, देखो बच्चों यहां लैम्डा ज्यादा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसकी कम है बच्चों, लैम्डा मोर फ्रीक्वेंसी लेस, है कि नहीं है बच्चों? तो अब मुझे एक बार बताओ बच्चों, जहां फ्रीक्वेंसी कम है, आपने बच्चों इसको धीरे से ही तो झटका दिया था, मतलब आपने एकदम धीरे से झटका दिया, इसका मतलब आपने एनर्जी कम लगाई ना। अरे बच्चों आपने धीरे से झटका दिया, इसका मतलब एनर्जी कम दी ना। तो यहां आप क्या बोल सकते हो, आपने इसको कम एनर्जी दी बच्चों। सेकेंड केस में देखो बच्चों, लैम्डा आपका कम हुआ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई। तो अब बताओ बच्चों, यहां आपने उसको जो झटका है वो बहुत जोर से दिया था, झटका बहुत जोर से दिया था कि नहीं दिया था, तो एनर्जी ज्यादा आई। अरे बच्चों समझ में आया क्या मामला? तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्या वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी,
अरे बेटा समझ में आया? नहीं तो एक कॉमन सा प्रैक्टिकल है, आप एक रस्सी बांध के उसको झटका देके देखना, तो एक बार धीरे से झटका देना, एक बार तेजी से झटका देना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, कि फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एनर्जी है वो जो है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों। अब बताओ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। हमने कांस्टेंट लगा दिया बच्चों, यहाँ कांस्टेंट आता है बच्चों एच। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट आ गया मेरे पास, एक कांस्टेंट आया एच। ठीक है, इस एच को पता है बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट तो क्या हो जाएगी बताओ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ई अपॉन, हाँ वेरी गुड, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों ई इंटू टी। तो ये हो गया बच्चों जूल इंटू सेकेंड, हो गया बच्चों। मैं फ्रीक्वेंसी को नीचे ले गया, वन अपॉन न्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, टाइम पीरियड बोल सकता हूँ। तो जूल इंटू सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बेटा समझ में आया? अब देखो अगर मैं वैल्यू ऑफ एच की बात करूं तो देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बच्चों, जानते हो क्या, फिजिक्स में पढ़ लिया, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं बच्चों। तो यहां से देखो बच्चों इसकी यूनिट ये भी आ जाएगी क्या, वैल्यू अर्ग इंटू सेकेंड, यानी कितना हो गया बच्चों बताओ, 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। आ गया बच्चों 10 की पावर -27, समझ में आया आप लोगों को?